परी हूँ। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हाँ विवान, हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। इस फ्री की पिचकारी से किसकी जिंदगी में रंग भरूं मैं? गिर पड़े अंकल। सबसे पहले मैं मेघा जिसके हाथ से रंग लगवाऊंगा, मेरी होली कामयाब हो जाएगी। आप तो ऐसे चमक रहे जैसे कि अभी भी वॉशरूम पाउडर सुरमा से धुल के आए। आपको तो रंग लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पिचकारी गोपू दूर करो, अपना गोपू पिचकारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। पिचकारी से इतना ही डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकले? चल 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 चल, मैं पिचकारी से नहीं डरता, समझा ना? मैं पुलिस हूँ। दरअसल मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ, मेरे कपड़े खराब करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा। सांगुन तो है। बच्चे को धमका रहे अंकल। तू बच्चा नहीं, सबका बाप है। लेकिन मैं भी गोपू गोपू, और मुझे पता है कि डर के आगे होली वाटर है। नहीं नहीं नहीं, होली वाटर नहीं, नहीं नहीं नहीं, दूर कर दूर कर, बोल रहा हूँ दूर कर। मेघा जी, जी सॉरी सॉरी, मैं आपके लिए गोपू से खुद को बचा रहा था। जल्दी से मुझे रंग लगवा दीजिए ना, वो ऑर्गेनिक रंग। आप तो पुलिस ड्यूटी पे है ना गिरपड़े अंकल? तो फिर मेघा दीदी से क्यों रंग लगवा रहे हैं? होली के दिन में भेदभाव? अरे नहीं नहीं, मतलब तो आपके कपड़ों पर सबसे पहली ड्राइंग मैं ही बनाऊंगा। कौन सी ड्राइंग? गोपू ये पिचकारी मुझे दे दो। नहीं मेघा दीदी, पहला रंग मुझे मारने दीजिए गिरपड़े अंकल पर, फिर आपको दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, गोपू अरे गोपू 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 आज तो उस प्रकट के पेट को ढूंढ कर ही रहूंगा। होले का दहन कल रात को हुआ, और आज रात इस बुड्ढे की चिता दहन होगी। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट ठंडाई है, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने खुद घोली हो। क्या स्वाद है, लाजवाब। ये बुड्ढा तो अमृत की तरह गटागट पिए जा रहा है, इसके ऊपर जहर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें ठंडाई क्यों फायदेमंद होती है। ठंडाई पेट के लिए अच्छी होती है, और जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो दिमाग के लिए अच्छी हो वो संपूर्ण शरीर के लिए अच्छी होती है, समझे? कुछ वेद और पुराणों में भी ठंडाई का महत्व लिखा गया है, इसे शिवजी का महाप्रसाद भी कहते हैं। भोले।
मेघा जी, अरे मेघा जी सुनिए तो, मेघा जी ये पिचकारी है, ये बीमारी, लोगों में इसकी डिमांड कितनी तेजी से फैलती जा रही है। हैप्पी होली। ये मिश्रा जी, आप हमें अभी तक कलर काहे नहीं लगाए? अरे कामनी मिश्रा, तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों को तो बड़े खुश हो के हंस हंस के रंग लग रहा है और यहाँ एक चुटकी रंग नहीं लगाया। अरे कामनी अभी लगा देते हैं ना। हैप्पी होली। भगवान गोपू का भला करे। गोपू, मिश्रा जी, अरे संभल के चलो ना। मिश्रा जी, अरे बताइए ना मेघा जी का। अरे अरे हम मिस्टर मिशन मिश्रा है, मिस्टर मिशन घंटा कर नहीं, शहर कोई बजा के चला जा रहा है। सॉरी कामिनी, जल्दी कीजिए नहीं तो कोई और आ जाएगा। कामनी तुम्हारे कान के झुमके। हे भगवान, कहीं इस भागा दौड़ी में कहीं गिर तो नहीं गए? अरे टूनो टूनो, 60,000 के कान के झुमके, उसके चक्कर में पूरे शरीर में हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे आप शांति रखिए, मैं घर में जाके देखती हूँ कहीं वही तो नहीं छूट गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे जल्दी उस पेड़ को ढूंढना होगा। क्या हुआ बहमाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भांग में जहर मिलाने वाली योजना सफल हो गई नागिनी, हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा। ना क्या करना है? रंग में भंग पैदा करने का समय अब आ गया है। बिंगो, मिल गए वो बरगद के रूट्स। बरगद के रूट्स के बीच में बॉक्सेस ही चीज क्या है? कहीं उस सुपर शक्ति तक पहुंचने के लिए ये अगला सुराग तो नहीं? हे भगवान, मेरे झुमके यही तो रखे थे। हे भगवान,
में तो कोई भी नहीं है और अनन्या भी बाहर होली खेलने गई है, तो वो किचन में कौन है? ओहो, कामिनी जी की टाइमिंग भी बहुत खतरनाक है। वो पिचकारी के चक्कर में कमर टूट गई। ठीक से दबा, ठीक से दबा। अरे गोपू पिचकारी दे दो। पिचकारी? हाँ, कोई काली पिचकारी लेके भागा। काली पिचकारी? आई विवान भी उस पिचकारी के लिए भागा। भाग केंडू भाग। कौन है वहाँ? कोई है क्या वहाँ पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कामिनी जी, आपके घर में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज है और वो है उस बरगद के पेड़ के रूट्स। इसलिए प्लीज आप जल्दी बाहर जाइए ताकि मैं अपना काम पूरा करूं। पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है, इन लोगों ने मेरा पीछा किया लेकिन मैंने किसी शूरवीर की तरह हिम्मत नहीं हारी। और हैरानी की ये अमानत बचा ली मैंने। भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है। फिर मैं तिमनासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे कालोक का नया सेनापति। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादी जी, ड्रम में कलर तो बचा है पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है डम्मी आंटी को बचकर ही वापस मिल गई है। मम्मी, वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बे के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा। Thank you.
ये क्या हो रहा है? मम्मी, कौन? दादाजी, 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 मम्मी, दादाजी, 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 उठिए। मम्मी, मम्मी आगे खुली। दादाजी। विवान, क्या हो रहा है? माँ, दादाजी, सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देवू भैया, देवू, इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा। कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टिम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। अब तो नकाबपोश को लोगों की जान बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।